हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन में। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के बताने वाला हूँ, भविष्यवाणी करने वाला, मार्केट का हाई लो क्या बनेगा। जैसे कि मैंने रिसेंटली आप पर्पस के लिए, और हाँ मेरे दोस्तों सुन लो मेरी बात, एडवांस में मैंने बताया था आपको। क्या बताया था? टॉप बताया था, एग्जैक्ट इसी टॉप में आपको सेल करना है, 20,247, 20,272। जाके चेक कर लो, एग्जैक्ट यही टॉप बना है और यहीं से मार्केट गिरा है, जबरदस्त गिरा है। और टॉप से 20,200 से 19,970 ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की गिरावट है मेरे दोस्त। दिस इज पावर। और किंग रिसेशन लॉते ने बताया था कि पूरी दुनिया बोल रही थी बाइंग करना है, मैंने बोला नहीं वेट करो, डेडिकेट बाउंस आ रहा है, ठोकने का सोचेंगे, लोअर लेवल पे बाइंग करेंगे। और एक बार नहीं, 2-3 हफ्ते से बैक टू बैक चला रहा था, आपके सामने प्रूफ है। किंग रिसर्च ने बीटीएसटी की एस्टिमेटी किया था, जिसका लॉजिक मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आज सुबह दोपहर को मैंने एक वीडियो बना दिया था, जहां पे मैंने टॉप पे कैसे बाइंग करें या सेल करें, बॉटम पे कैसे बाइंग करें सेल करें, वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करें। बीटीएसटी एस्टिमेटी कैसे, वो स्ट्रैटेजी दी है, तो गो एंड चेक दैट वीडियो। पर्सनली मैंने काम किया था, उसका लॉजिक दिया आपको। पर्सनली जो काम किया था, सुबह सुबह 15 मिनट काम, बाकी पूरे दिन आराम, उसमें सर 74,000 रुपीज मेरा बन गया था। और मेरा बिलीव है सर, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो बैंक निफ्टी अगर 74,000 रुपीज मुझे मिले हैं 5 मिनट में, मैं सुबह सुबह 5 मिनट में प्रॉफिट बुक करके निकल गया हूँ। 5 मिनट मतलब 15 मिनट के अंदर मैंने कभी कभी सस्टेन किया, मतलब जब गैप डाउन खुला मैंने होल्ड किया, मैंने कहा वेट करता हूँ वेट करता हूँ, हो सकता है कि बेवकूफ बना के दोबारा और पैनिक कर दे। तो जैसे ही डेडिकेट बाउंस दिया, तो जैसे ही 2-3 कैंडल बने इस तरह के, मैं सर यहाँ से निकल गया। मुझे पता था 856 का लक्ष्मण रेखा, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक बाइंग नहीं है, इसके नीचे ओनली थिंग फॉर द सर। बट स्टिल सर, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है 2 पराठे से ज्यादा मैं नहीं खा सकता, 2 इडली से ज्यादा मैं नहीं खा सकता, एक बड़ा और 2 इडली या एक डोसे से ज्यादा नहीं खा सकता। आपके साथ भी ऐसा होता है? मैं बोलूँ 5 डोसे खाने खा लोगे? तो स्टॉक मार्केट में क्यों खाने की सोच करते हैं कि हर ट्रेड करूंगा, हर ट्रेड में पैसा मिल जाए, तो मेरी भूख थी उससे ज्यादा मेरे को मिल गया। भैया हाथ जोड़ के मार्केट को रिस्पेक्ट करके निकल गए, 15 मिनट काम बाकी पूरे दिन आराम। तो आज 3 लाख के इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोगों ने 89,000 रुपीज बनाया सर, मार्केट ने छप्पर फाड़ के दे दिया यार। मेरी भूख है सर, महीने भर का 20-30-40% का आरओआई, और वो एक ही दिन में मुझे दे दे रहे, तो यार और क्या चाहिए? भले कहीं भी जाए मार्केट, कहते हैं ना मार्केट बुलाती है पर जाने का नहीं। भाई सिंपल लॉजिक है, यही समझाने की कोशिश करता हूँ, जितनी भूख है उतनी खाओ, फिट भी रहोगे और हेल्दी भी रहोगे, राइट, ओवर ईटिंग नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपको लॉजिक देता हूँ कल का। तो मेरे दोस्तों आपको क्या नोट करना है, ऊपर का हडल मैं बता रहा हूँ, 20,247, 20,272, ओके, इस जोन में ओनली थिंक फॉर द सेल। बॉटम का हडल दे रहा हूँ 19,847, 19,770, इस जोन में आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी हो गई है। और इस रेंज में जो राइटर्स है उनको पता है अपनी स्ट्रेटेजी लगानी, और ठोकने का या बाइंग करने का क्या करना है वो आप अपना राइटिंग करके कर सकते हो। अब बाई चांस मार्केट कल यहां से डेडिकेट बाउंस देती है, तो क्या है बाइंग कर ले? नहीं भाई, बाइंग नहीं करना है। कब तक? 20,047 के ऊपर अगर 10 मिनट सस्टेन करेंगे, देन ओनली वी कैन थिंक फॉर द बाइंग, अदरवाइज नो बाइंग एट ऑल। उसके बाद 20,127 का पहला टारगेट होगा, 20,170 का दूसरा टारगेट होगा, प्रॉफिट बुक करो एंड सेट अप लॉट्स, और वेट करो मार्केट इसके बीच में आए और यहां पे फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे सेल करने का। हो सकता है कि कल मार्केट सिर्फ और सिर्फ इस गैप को फिल करने है, जो मैंने लक्ष्मण रेखा दिया, अपना टारगेट दिया है। आप इस गैप में एंट्री का सोचते हो, मैं इस गैप में प्रॉफिट बुकिंग का सोचता हूं, दिमाग लगाना, यही साइकोलॉजी है कि जहां आप सोचते हो बाइंग करने का, मैं वहां सोचता हूँ पतली गली से निकलो, क्योंकि दुनिया बाइंग करे तो ऑपरेटर क्या करेगी, उसको ठोकेगी, तो बेटर निकल लो पतली गली से, ये साइकोलॉजी है, राइट। अब अगर बाई चांस मार्केट यहां से पैनिक करती है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि 19,970, 947 लक्ष्मण रेखा है, और मार्केट देखो आज एक्सैक्ट इसने यही लो बनाया और यहीं पर जाके होल्ड करने लगे, तो हो सकता है कल गैप अप डेड कट बाउंस आए फिर गिरे, हो सकता है कल गैप डाउन आए, तो यू शुड हैव पेशेंस। 19,847, 19,770 के रेंज में आएगा, देन ओनली थिंक फॉर द बाइंग। लोअर लेवल पे मैं सेल करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं। आपको लगता होगा सर 947 पे सेल कर लेते हैं, 847 मिल जाएगा, 100 पॉइंट मिल जाएगा, भाई आप 100 पॉइंट के ट्रेड करते हो, इसीलिए फिर वही चिंदी टारगेट, बड़ा लॉस। मैं यहां पे बाइंग करने वाला हूं लोअर लेवल पे, और टारगेट मेरा होगा सीधे यहां से 300 पॉइंट का होगा, 300 पॉइंट के लिए ट्रेड करना चाहता हूँ, ना कि 50-100 पॉइंट के लिए काम करना चाहता हूँ। बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा, किंग रिसर्च में सबको ही बोलता है, इसलिए किंग रिसर्च का नाम किंग रिसर्च है, राइट। अब बैंक निफ्टी में टॉप पे बोला था ठोको, एग्जैक्ट मार्केट ने 46,156, 356 जो बनाया था यहीं पे इसने मार्केट ने डबल टॉप बनाया। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग दिल्ली आए थे, सॉरी आपका हैदराबाद आए थे, मुंबई आए थे, जिन लोगों ने मेरी एक साल पहले ऑनलाइन क्लासेस ली थी, ऑलरेडी मेरा ऐप डाउनलोड कर लोगों को वहां पे मिल जाएगी, उनको पता है कि मैं टॉप पे बॉटम पे कैसे बाइंग करता हूँ, क्या स्ट्रेटेजी, क्या लॉजिक है, क्या साइकोलॉजी है, उनको पता है सर पैसा बना टॉप पे। अब कल मैंने बीटीएसटी एस्टिमेट किया, उसका लॉजिक आपको मिल ही जाएगा।
इसके नीचे जो लक्ष्मण रेखा था 46 156, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ दिया, मैं इसलिए एसिपिटी लेके चला गया। आज कैपटाउन खुला, मेरी जो भूख थी वो मुझे मिल गई, मेरा ब्रेकफास्ट डन हो गया, तो मैं भैया एग्जिट करके निकल गया, बाकी मार्केट को देखा भी नहीं है। राइट, अब कल क्या करें, नोट करो 46 156 46 360, अगेन दिस इज आवर लक्ष्मण रेखा, अपर हर्डल है, इस जोन में आएगा दोबारा सेल करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। अब लोअर लेवल नोट कर लो 45 256 44 856, यस बड़ा है, बट ये हर लेवल मेरा लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इस जोन में आएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब आप यहां पे सेल करने में इंटरेस्टेड हो, जस्ट बिकॉज ऑफ ये, यहां से कितने पॉइंट मिलेंगे, 200 पॉइंट मिलेंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं 1000 पॉइंट के टारगेट के लिए 200 पॉइंट के एसएल के इंटरेस्टेड हूं, ना कि 200 पॉइंट के टारगेट के लिए 1000 पॉइंट का एसएल देने में इंटरेस्टेड हो। आप यही करते हो, चिंदगिरी करते हो, हाँ छोटा सा ट्रेड ले लिया, 1000 पॉइंट ट्रेड ले लिए, 10 20 हजार रुपया निकल जाते हो, बोलते हो स्कैल्पिंग कर ली। ऐसे नहीं होती है स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग सीखनी है। फ्रेंड्स गो एंड चेक निफ्टी हमारे कॉम्बो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में आई है नहीं है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ये स्ट्रैटेजी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं हर संडे को जिन लोगों ने हमारे साथ अकाउंट ओपन किया, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ सब लोगों को जो कबड्डी कबड्डी खेलते 10 लोग को फॉलो करते उनके लिए नहीं है, जो अपने किंग रिसर्च के रियल फॉलोअर्स हैं, जो बिलीव करते हैं कि यस हम किंग रिसर्च की स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पैसा बना सकते हैं, सिर्फ उनके लिए मैं शेयर करता हूँ, एवरी संडे सिखाता हूँ मैं। अगर आपके पास नहीं है प्लीज अकाउंट ओपन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, स्ट्रैटेजी आपकी हो जाएगी, और उसको प्रैक्टिस करें और देखें और बताएं कॉम्बो स्कैल्पिंग में निफ्टी आया था कि नहीं आया था। टॉप पे आपने मतलब इसी जगह पे सेल आया था, ये भी मेरा आपसे कमिटमेंट है, इसी जगह पे सेल आया था गोइंग चेक, और जिसका ऑलरेडी पता है कमेंट करके बताना, पैसा वाला रखी नहीं, राइट, जिससे कि बाकी लोग जो फॉलो कर रहे हैं उनको समझ में आए। सर मैं अगेन प्यार का भूखा हूं, बस आप आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, मैं दिल खोल के आपको स्ट्रैटेजी दूंगा, एक और नई स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर, तो वो भी मैं चाहता हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका कमेंट चाहिए, प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, वीडियो को शेयर करें, बस मैं इतना चाहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है सर, ज्यादा से ज्यादा लोग जो ट्रैप हो रहे हैं, लाखों रुपए अपने पे कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, लाखों रुपए अपना पे कर रहे हैं सर, सैटरडे संडे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाता हूँ टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रैटेजीज, सिर्फ अकाउंट ओपन करना है, मजे ले। एनीवे अब कल के लिए मैंने बता दिया बॉटम लेवल निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, ठीक है। अब सुन लो लोअर लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अब बाई चांस मार्केट यहां से डेड कैट पहुंच लेती है तो हो सकता है कि कल मार्केट इसी लक्ष्मण रेखा पे आए और यहीं से वापस रिजेक्ट हो जाए, और एल्स ये जो गैप है इस गैप तक आए और यहां से फिर रिजेक्ट हो जाए, और एल्स ये जो लक्ष्मण रेखा मैंने बताई है जो टॉप कार्डल बताया मार्केट यहां तक आए और यहां से जाए। अब आपको डिसाइड करना है आप किस तरीके के प्लेयर हो, आप यहां पे सेल करना चाहते हो, यहां सेल करना चाहते हो, यहां सेल करना, मेरे से पूछोगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल हियर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल हियर, दोबारा इस लक्ष्मण रेखा पे आने दो ना भाई, दिक्कत का है। टॉप पे ढोएंगे ना, छोटा सा स्टॉप लॉस है 46,456 का, सिंपल सिंपल एज दैट, राइट, और इसको कब बाइंग करेंगे 456 के ऊपर एक बार आने दो, मुझे देखना है कि किस तरीके से आया है, खरगोश की तरह है या फिर कछुए की तरह है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन मैं आपको पर्सनली बोलता हूँ, टेलीग्राम में कमेंट ज्वाइन हुआ टेलीग्राम चैनल, वहां पे मैं आपको पर्सनली लेवल दे दूंगा कि यहाँ पे एक्चुअली में बाइंग करना है या फिर ट्रैप है, हेल्प होगी 2 मिनट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है आप लोगों के लिए, सो प्लीज अपना आशीर्वाद देते रहेगा। ये ट्विटर पे मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे चार्ट्स डालता हूँ, कुछ अच्छे अच्छे लॉजिक्स डालता हूँ, प्लीज फॉलो करें। और सुजलॉन आप देखो सर कितने परसेंट का आरओआई आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 200% का आरओआई सुजलॉन में आ रहा है, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की हमारी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको हमारा स्टॉक चाहिए महीने का, सिर्फ 2 ही स्टॉक देता हूँ मैं, और महीने के स्टार्टिंग में हफ्ते भर में 2 स्टॉक्स देता हूँ, लिमिटेड स्टॉक विद एसएल विद टारगेट, जिसका टारगेट 200 400 500 1000% तक का टारगेट देता हूँ, स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा सा रहेगा, बट वो एक्चुअली में इन्वेस्टिंग कि मतलब पैसा लगा 5 10 अपने भूल जाओ, उसके लिए मैं दे रहा हूँ। तो अगर आपको बिलीव होता है तो यहाँ पे आप क्लिक करना हमारे ट्विटर हैंडल पे, या मेंबरशिप हमारा यूट्यूब का है वहां पे जाना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर महीने 2 ही स्टॉक्स दूंगा, जिसको वाकई में किंग भरोसा वही करना, बाकी सब लोग, और जिसका पेशेंस है 4 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते सिर्फ वही आना। बहुत सारे स्टॉक्स दिए अभी रिसेंटली 1 2 महीने में 30 30 40 40% तो वैसे ही भाग गए, राइट, बट टारगेट है 400 500% का, नो चिंदगी। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का ध्यान रखो, और हाँ ऐसा बनाओ तो सर गरीबों का भी ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, लव यू, जय।